प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और इंटरेस्टिंग बॉलीवुड के से रिलेटेड जानकारी वाले वीडियो में। दोस्तों, जहां हम आपको फिल्मों के बारे में जानकारियां देते हैं और फिल्में जो बनती है उनके पर्दे के पीछे की जानकारियां होती हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होती है, आदि होती है। दोस्तों, आज ऐसी ही जितेंद्र की 1984 एक सुपरहिट फिल्म के बारे में बताएंगे। दोस्तों, सब कुछ बताएंगे, कौन सी फिल्म की बात कर रहे हैं, कि कहां कितनी कमाई करी, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। बस आपसे गुजारिश की वीडियो को पूरा देखें और आप हमारे चैनल या पेज पर नए हो तो हमें फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जितेंद्र की वो सुपरहिट फिल्म जो सन 1984 में रिलीज हुई थी, बनाया था जिसने बड़ा रिकॉर्ड और धरा रह गया था, राजेश खन्ना धर्मेंद्र का स्टारडम। दोस्तों, फिल्मी दुनिया के दिग्गज अभिनेता जितेंद्र के लिए साल 1983 और 84 बेहद खास साबित हुए थे। जहां 1983 में उनकी चार फिल्मों ने धमाल मचाया दिया था, वहीं साल 1984 में भी उनकी एक ऐसी फिल्म ने सिनेमाघरों में दस्तक दी जो उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। फिल्म में जयाप्रदा और श्रीदेवी नजर आई थी। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जितेंद्र के लिए 80 का दशक में एक अलग ही जलवा था। बॉक्स ऑफिस पर उनकी फिल्में कमाई के कई रिकॉर्ड दर्ज कर दिया करती थी। उनके अभिनय के लोग दीवाने हुआ करते थे, उनकी फिल्मों का बड़ी बेसब्री से इंतजार भी हुआ करता था। साल 1984 में आई एक फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर उन्हें बादशाह ही बना दिया। ये वो वक्त था जब अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जैसे स्टार्स की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाने का काम किया करती थी। हिंदी सिनेमा की दुनिया के सबसे बड़े सितारों में गिने जाने वाले अभिनेताओं में होते हुए जितेंद्र की इस फिल्म ने एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज किया। फिल्म की कमाई से मेकर्स भी मालामाल हो गए थे। लव ट्रायंगल वाली इस फिल्म में जयाप्रदा और श्रीदेवी अहम भूमिका में नजर आई थी। 1984 की बनी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। दोस्तों, साल 1984 में श्रीदेवी, जयाप्रदा और जितेंद्र स्टार फिल्म तोहफा आई थी। दोस्तों, तोहफा की फिल्म की हम बात कर रहे हैं। तोहफा की न सिर्फ कहानी बल्कि इसके गाने भी काफी हिट हुए थे। दो बहनों वाली इस फिल्म की कहानी में दोनों ही बहने एक ही शख्स से प्यार करने लगती है। जितेंद्र की ये फिल्म उस साल की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई। तोहफा ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था और इस साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। धरा रह गया था अमिताभ और धर्मेंद्र और राजेश खन्ना का स्टारडम। साल 1984 में इस साल धर्मेंद्र, अमिताभ, राजेश खन्ना की भी फिल्में रिलीज हुई थी। जितेंद्र की तोहफा के आगे इन तीनों ही स्टार्स की फिल्में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। जितेंद्र की तोहफा के अलावा इस साल अमिताभ की शराबी, धर्मेंद्र की राजतिलक और धर्मेंद्र और राजेश खन्ना स्टार और धर्म और कानून ये फिल्में सफल तो रही थी, लेकिन तोहफा को मात नहीं दे पाई थी। राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र का स्टारडम भी धरा रह गया था। बता दें कि जयाप्रदा और जितेंद्र और श्रीदेवी की ये फिल्म काफी पसंद की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 9 करोड़ रुपए कमाए थे, जो अगर आज की महंगाई के हिसाब से अगर छोड़े तो 140 करोड़ के बराबर आकर बैठता। तो दोस्तों, ये थी तोहफा मूवी से रिलेटेड जानकारी। ऐसी और जानकारी लेकर हाजिर होते रहेंगे। बस आपसे गुजारिश है कि फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।